Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, in the last class, I talked to you about the need, the future of need. Okay friends, आज हम आपको need का तीनों tense एक साथ बताएंगे, present, past and future. Okay friends, तीनों tense जब एक साथ हम आपको बताएंगे, तो आपको समझना और भी आसान हो जाएगा. Okay friends, एक practice class है, practice class में हम ज़्यादातर एक टॉपिक बताते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे सेंटेंसेस बताते हैं आपको हिंदी में और फिर इंग्लिश में बनाकर भी. उसके बाद हम होमवर्क देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उस होमवर्क के इंग्लिश बताते हैं ताकि आप चेक कर कर ये पता लगा सके आप किस कितना सही बना रहे हैं कितना गलत बना रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में पढ़ा चुका हूँ नीड वाला. अभी तीनों को हम एक ही क्लास में एक ही समय में बना कर देखेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे. इसमें किसी भी टॉपिक को हम लेते हैं और फिर उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों एक साथ पढ़ाते हैं. ओके फ्रेंड्स, ताकि इससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए. तो चलिए शुरू करते हैं. एक हम सेंटेंस लेते हैं, उसे पैसों की ज़रूरत है. इसका अगर हम पास्ट करेंगे तो उसे पैसों की ज़रूरत थी, अगर फ्यूचर करेंगे तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी या उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे पैसों की ज़रूरत है की जगह पर उसे पैसे चाहिए. ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे पैसे चाहिए, उसे पैसे चाहिए थी, चाहिए था, उसे पैसों की पैसे चाहिए होगा. इस तरह से हम नहीं बोलते हैं, ज़्यादातर हम उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा बोलते हैं. तो हम यहाँ पर ज़रूरत की जगह पर चाहिए भी बोल सकते हैं. तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर चाहिए आएगा, कहीं पर भी आपके विचार में ये सेंटेंस आता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पेन चाहिए, उसे पैसे चाहिए, तो चाहिए के लिए भी हम नीड का इस्तेमाल करते हैं. तभी नीड का इस्तेमाल हम करते हैं जब उसमें कोई वर्ब ना हो. ओके फ्रेंड्स, वर्ब ना हो मतलब वर्ब होता है तो फिर वो लास्ट में अगर उसमें कोई वर्ब होता है तो उसमें फिर शुड मस्ट आ जाता है, हम बाद में बताएंगे आपको. बट यहाँ पर बिना वर्ब के किसी सामान किसी चीज़ की रिक्वायर है तो चाहिए या ज़रूरत हम दोनों बोल सकते हैं. हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं. उसे पैसों की ज़रूरत है तो ही नीड्स मनी. उसे पैसों की ज़रूरत थी तो ही नीडेड, पास्ट में नीडेड बोलते हैं हम, मनी. उसे पैसों की ज़रूरत होगी, ही विल नीड मनी. आपको मैं इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए ये वे बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से समझ में इस तरह से अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा वे है आपको प्रैक्टिस करने के लिए. आपको 10-15 मिनट की प्रैक्टिस में ये तीनों को तीनों टेंस समझ में आ जाएंगे किसी भी टॉपिक के. तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करो. उसे पैसों की ज़रूरत है, ही नीड्स मनी. उसे पैसों की ज़रूरत थी, ही नीडेड मनी. उसे पैसों की ज़रूरत होगी, ही विल नीड मनी. ओके फ्रेंड्स, इसमें अगर नेगेटिव हम बनाते हैं इसका नेगेटिव तो ही नीड्स नॉट मनी. ओके, ही नीडेड नॉट मनी. बहुत ही सिंपल है. अगर यहाँ पे बनाते हैं हम तो ही विल नॉट नीड मनी. ओके फ्रेंड्स, अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो नीड पहले आ जाता है, नीड्स ही मनी. यहाँ पर नीडेड पहले आ जाएगा, नीडेड ही मनी. इंट्रोगेटिव का मतलब आपको समझ में आया ना. अगर आप पुराने होंगे, पुराने व्यूअर हैं हमारे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. अगर नए हैं तो उनको बता दूं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या से शुरू होने वाला, यानी कि क्या उसे पैसों की ज़रूरत है, क्या उसे पैसों की ज़रूरत थी. इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, विल ही नीड मनी. ओके फ्रेंड्स, विल ही नीड मनी. अब यहाँ पर क्वेश्चन नोट एक बनाते हैं, उसे पैसों की ज़रूरत कब है. तो व्हेन लिखेंगे हम पहले, व्हेन नीड्स
he money. When needs he money? उसे पैसों की जरूरत कब थी? तो when needed he money. उसे पैसों की जरूरत कब होगी? When will he need money? बहुत ही सिंपल है. ओके फ्रेंड्स, अभी हम इसको और ज़्यादा समझेंगे कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ. ओके फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं अभी हम. तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक मेडिसिन. तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत थी. यू नीडेड टू टेक मेडिसिन. तुम्हें दवाई खाने की ज़रूरत होगी. यू विल नीड टू टेक मेडिसिन. ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मैं तीनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ओके फ्रेंड्स, उन लोगों को कार की ज़रूरत है. दे नीड कार. उन लोगों को कार की ज़रूरत थी. दे नीडेड कार. उन लोगों को कार की ज़रूरत होगी. दे विल नीड कार. तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत है. यू नीड टू कम टू मी. तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत थी. यू नीडेड टू कम टू मी. तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत होगी. यू विल नीड टू कम टू मी. उन लोगों को खेलने की ज़रूरत है. दे नीड टू प्ले. उन लोगों को खेलने की ज़रूरत थी. दे नीडेड टू प्ले. उन लोगों को खेलने की ज़रूरत होगी. दे विल नीड टू प्ले. मुझे कुछ पैसे चाहिए. आई नीड सम मनी. मुझे कुछ पैसे चाहिए थे. आई नीडेड सम मनी. मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे या मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. आई शैल नीड सम मनी. तुम्हें बाज़ार जाने की ज़रूरत है. यू नीड टू गो टू मार्केट. तुम्हें बाज़ार जाने की ज़रूरत थी. यू नीडेड टू गो टू मार्केट. तुम्हें बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ेगी. यू विल नीड टू गो टू मार्केट. राजू को कुछ कुर्सियों की ज़रूरत है या राजू को कुछ कुर्सियाँ चाहिए. राजू नीड्स सम चेयर्स. राजू को कुछ कुर्सियाँ चाहिए थी या राजू को कुछ कुर्सियों की ज़रूरत थी. राजू नीडेड सम चेयर्स. राजू को कुछ कुर्सियों की ज़रूरत पड़ेगी. राजू विल नीड सम चेयर्स. अभी हम कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन और उसको सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में. ओके फ्रेंड्स, तुम्हें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू टेक एग्ज़ाम. तुम्हें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं थी. यू नीडेड नॉट टू टेक टू एग्ज़ाम. तुम्हें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल नॉट नीड टू टेक एग्ज़ाम. अभी इंट्रोगेटिव लेते हैं. क्या उसे मुंबई जाने की ज़रूरत है. नीड्स ही टू गो टू मुंबई. क्या उसे मुंबई जाने की ज़रूरत थी. नीडेड ही टू गो टू मुंबई. क्या उसे मुंबई जाने की ज़रूरत पड़ेगी. विल ही नीड टू गो टू मुंबई. अभी हम क्वेश्चन और लेते हैं. तुम्हें कितने पैसे चाहिए. हाउ मच मनी नीड यू. तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत थी. हाउ मच मनी नीडेड यू. तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. हाउ मच मनी विल यू नीड. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीखेंगे. ये प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश सिखाएगी. सिर्फ पढ़ लेने से, लिख लेने से और समझ लेने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज आपकी ज़बान पर चढ़ेगी. आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का. ओके फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस के बाद जो दूसरा काम है आपको बोलना है, उसको यूज़ करना है. किसी के साथ भी आपको बोलते रहना है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, बोलते रहो.
एक बार इंग्लिश में बोलो, दूसरी बार हिंदी में बोल दो अगर नहीं समझ में आती है सामने वाले को तो, बट इंग्लिश में बोलने की कोशिश ज़्यादा करो। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये रहा आज का होमवर्क। ये सारे मिक्स सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ कर बनाना। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा भी हमारे क्लास से फ़ायदा होता हो तो वीडियो को देखते वक्त लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, और हमारे वीडियो को वैसे लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, जिनको इंग्लिश सीखना चाहिए या जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ओके फ्रेंड्स, शेयर करने से, वैसे लोगों तक शेयर करने से वैसे लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप उनकी फ़िक्र करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपका शेयर करने से कुछ घटने वाला नहीं है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयरिंग, सब कुछ फ्री है। ओके फ्रेंड्स, बस आपका दिल फ्री में चाहिए थोड़ा। ओके, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।